कौन ऐसा चीज़ है जो आपके साथ बचपन से रहा है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या ट्रैवलिंग हो या ट्यूशन हो? इट्स योर बैकपैक। एंड गाइस, बैकपैक हमारे पार्टनर जैसी है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है एंड हमें वो चीज़ रखने की सहायता देती है जो हम नहीं रख सकते अपने पॉकेट्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैं बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ आपको एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा आपको, जो आपको करना चाहिए, जो आपके लाइफ को ईजी बना देगा एंड कभी भी काम आ सकता है। ऐसा क्या बताएगा तू, देख लो तब। Babe, I'm so tired. कैसे हो मैं? तुम हमेशा यही नाटक करते हो, तुमको आज मिलना है तब। अच्छा, I'm coming, wait कर मैं थोड़ा। क्या यार, बैंड बजी पड़ी है हालत की, माउथ फेस हेयर, क्या करूं? सो गाइज, आई होप मज़ा आया होगा आपको एंड आप सोचोगे मैंने सर पे क्या लगाया था। तो अगर जानना है तो इस फैबुलस वीडियो को अंत तक देखो एंड अगर आप नए इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस बंदे को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा एम है तुम्हें स्मार्ट बनाना, तुम्हें हैंड्स बनाना, तुम्हें खुश रखना। सो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ एंड देखते हैं व्हाट्स इनसाइड माय बैकपैक। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम बैकपैक की। तो बैकपैक जो है मेरा, वो है अडिडास नियो का बैकपैक, जो काफ़ी सस्ता है। करीब 750 या 700 के अंदर मुझे अडिडास का बैग मिल गया। इसके सिर्फ एक चैन है यहाँ पर, दो चैन नहीं है एंड ये यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि आप आराम से, ये बल्कि नहीं है, बिल्कुल स्लिम है एंड कैजुअल है। साइड में बॉटल रखने का भी नहीं है एंड नीचे के साइड लेदर है, लेदर टाइप का है कुछ। तो गाइस, इस बैग को मैंने परचेस किया था मिंत्रा से। अगर आपको लेना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लैपटॉप, ऐसे लैपटॉप बैकपैक नहीं है, फिर भी मैंने इसमें लैपटॉप अपना रखा हुआ जो है HP का लैपटॉप। ये सिर्फ काम चलाऊ लैपटॉप है, ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो मैं इससे अपनी फ़ोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो है मेरे ईयरफोन्स। ये हर वक्त मेरे बाहों में रहती है, मतलब मेरे कानों में रहती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ईयरफोन है। ये ईयरफोन्स है सोनी के MDR-XB55 ईयरफोन्स विथ एक्स्ट्रा बेस। प्राइस करीब है 1500 रुपीज़ एंड ये ईयरफोन में बेस बहुत ही ज़बरदस्त है एंड उसके साथ साथ ट्रबल है। मुझे ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसे चार्ज करना पड़ता है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम एंड बहुत सारी प्रॉब्लम। आप पूछोगे इस हेडफोन्स में क्या ऐसा खास है, ये हर एक हेडफोन्स के हिसाब से एक्स्ट्रा बेस है इसमें एंड एक्स्ट्रा ट्रबल भी है एंड इसमें 12 mm का ड्राइवर है। इस रेंज के ज़्यादातर ईयरफोन्स में अगर आप देखें तो उधर 10 mm का ड्राइवर मिलता है आपको, लेकिन इसमें 12 mm का ड्राइवर है, जिससे बहुत ही अच्छा साउंड क्लैरिटी मिलता है हमें। एंड ईयरफोन्स मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं था तो इसने मेरा टाइम काटने में हेल्प किया था। तो ये ईयरफोन हाईली रिकमेंडेड, एक्सरसाइज के दौरान भी काम आते हैं ये बहुत। एंड आप कान में डालो एंड ये गिरेगा ही नहीं। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे ज़रूर बाय करें। अगर इसको चेकआउट करना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो निकलती है हमारी, दिस इज़ माई वैक्स। इस डब्बे में मैं अपना वैक्स रखता हूँ, ये अर्बन गबरू का वैक्स है। स्पेस बचाने के लिए मैंने अपने वैक्स को इस छोटे कंटेनर में डाल दिया, जिससे मेरा बहुत स्पेस बचा। एंड ये कंटेनर एक नहीं है, मेरे पास चार हैं, एक मेरे स्कूटी के डिक्की के नीचे है। सो गाइज, मैंने सिंपली अर्बन गबरू का वैक्स इस छोटे कंटेनर में रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस बचाने के लिए, क्योंकि ये छोटा कंटेनर जो है वो मेरा बहुत स्पेस बचाता है इस बड़े बल्की कंटेनर के मुकाबले। एंड अर्बन गबरू का वैक्स मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा होल्ड के मामले में एंड वॉल्यूम के मामले में। एंड ऐसा नहीं कि मैं एक ही वैक्स लगाते रहता हूँ, मैं मौसम के हिसाब से एंड क्लाइमेट के हिसाब से वैक्स चेंज करते रहता हूँ। सो अभी फ़िलहाल मैं अर्बन गबरू का वैक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ माई फेवरेट स्प्रे मिंट माउथ फ्रेशनर। गाइस, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको इमीडिएटली बुला लेती है एंड आपने घर में खाया है बंधा गोभी का सब्जी, तो उसके सामने ये मत बोलना कि बड़े होकर मुझे फौजी बनना है, क्योंकि गाइस कभी कभी हमारे माउथ से बहुत ही अजीब तरह की स्मेल आती है, प्यास की एंड अदर स्टफ। तो गाइस, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि अचानक से कहीं जाना पड़ता है, किसी पार्टी में किसी से मिलने, उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक माउथ फ्रेशनर ज़रूर ले लें, जिससे आपको 3 स्प्रे एंड यू आर
सांसों में ताजगी। आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं कि एक लिप पे मार लें एंड बहुत काम आएगी। तो मैंने इन दोनों को बाय किया था अमेज़ॉन से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको लेना हो तो ज़रूर इसे लें, क्योंकि ये बहुत ही काम आते हैं मेरे। अगला चीज़ है सैनिटाइज़र। गाइस जब बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ पिज्ज़ा बर्गर खाते ही हैं, तो गाइस उससे पहले आप सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि हाथों में बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज रहते हैं जो आपके स्टमक में जाते हैं, जिससे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, उसके बाद आपको स्टमक कैंसर भी हो सकता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो स्टमक को अच्छे रखने के लिए हाथ ज़रूरी अच्छा रखना, एंड आपको एक सैनिटाइज़र मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करो, क्योंकि ये एक मारता है 99.99 जर्म्स को एंड आपको इम्यूनिटी देता है। तो गाइस सैनिटाइज़र हाईली रिकमेंडेड टू यूज़। सो अगली चीज़ जो मेरे बैकपैक में है वो है ये बुक, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। गाइस ये बुक नॉर्मल विंसेंट पील का है, जो बहुत ही ज़बरदस्त इसे लिखे हैं, एंड इन बुक में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस बुक में लिखी हैं। तो इस बुक को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें। जब मैं बहुत बोर होता हूँ तो इस बुक को पढ़ता हूँ। अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जो है हमारा वाइप्स। मतलब वाइप्स बहुत ज़रूरी है जब आप स्वेट करते हो, स्पेशली समर्स के मौसम में, तो जितने भी ऑयल्स हैं वो निकालता है ये वाइप्स जो अभी मेरे हो रहे हैं। दिस इज़ अ गुड वाइप। तो आप वाइप्स ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जितने भी ऑयल एक्स्ट्राज होते हैं तो वहाँ पर आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक वाइप लें एंड जस्ट एंड यू आर रिफ्रेश्ड। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ कैप, जो मैं धूप से बचने के लिए पहनता हूँ। तो बाहर आप जाते हो तो आपको अम्ब्रेला कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो गर्लिश टाइप का थोड़ा लगता है। तो धूप से बचने के लिए सिंपली यूज़ अ कैप बेबी। एंड द लास्ट थिंग इज़ अ बॉटल ऑफ वाटर, हाईली रिकमेंडेड। जितना आप पानी पियोगे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा, वो आपके हेयर के लिए अच्छा, एंड आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस बंदे को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा एम है तुम्हें स्मार्ट बनाना, तुम्हें हैंड्स बनाना, तुम्हें खुश रखना। एंड गाइस अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो करें, मेरे आईडी का नाम है @assastyling। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मस्त मस्त फोटो अपलोड करता हूँ जो आपको काम आएगी एक अच्छे फोटोज़ लेने में, एंड आपके साथ लाइव बात करता हूँ, चैटिंग करता हूँ आपसे, फेस टू फेस बात करता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को भी देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इंस्टाग्राम पे @assastyling ज़रूर फॉलो करें।